dear students, today i shall discuss the phenomenon of surface tension, which is a very important characteristic of fluid at rest. in particular, liquid at rest, we know that whenever some liquid is filled in a container, then the uppermost लेयर और सरफेस ऑफ इट विच इज एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड फ्री सरफेस एंड मोलिक्यूल्स ऑन दिस आर हैविंग हायर एनर्जी इन कंपैरिजन टू दोज मोलिक्यूल्स विच आर देयर इनसाइड द लिक्विड प्रिय छात्र छात्राओं आज मैं आपके साथ पृष्ठ तनाव नाम की घटना का या उसके गुण का अध्ययन कर आपको अध्ययन करवाता हूँ जब किसी द्रव को किसी पात्र में भर दिया जाता है तो उसकी वह सतह जो हवा के संपर्क में है उसको हम मुक्त सतह या फ्री सरफेस बोलते हैं और उस मुक्त सतह पर स्थित जितने भी अणु हैं उनकी ऊर्जा अंदर वाले अणुओं की ऊर्जा से हमेशा अधिक होती है वी नो दैट एवरी सिस्टम इन द

वो हमेशा इस तरह का प्रयास करते हैं कि उनकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाए और इस क्रियाविधि में लगातार जो उनकी जो सतह है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है इस गुण को हम प्रस्तनाव कहते हैं प्यारे बच्चों जब आप एक दाढ़ी बनाने के ब्रश को पानी में डालते हैं तो उसके सारे ब्रशल्स अलग अलग हो जाते हैं और उसी ब्रश को जब बाहर निकालते हैं तो सारे ब्रसल्स चिपक जाते हैं पानी की बूंदों का गोल होना किसी भी द्रव की बूंदों का गोल होना ये सब प्रश्नव के कारण होते हैं इसके अलावा आपने देखा होगा कि किसान फसल बोने से पहले खेत में ज़मीन में ऐसे हल चला के छोड़ देता है तो वो इसलिए ताकि जो भी केशिकाएं बनती हैं वो टूट जाए इसके अलावा आप सावधानी से अगर ग्रीस लगा करके एक आलपिन को पानी की सतह पर रखते हो तो बहुत तसल्ली से वहाँ तैरती रहती है आपको ऐसे लगेगा जैसे पानी की सतह रबर की झिल्ली की तरह दबी हुई है ये सारे के सारे जो छोट छोटे छोटे प्रयोग हैं ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तनाव होता है तनाव के कारण ही साबुन के बुलबुले बनते हैं तनाव के कारण ही बूंदे और हवा के बुलबुले बनते हैं तो इसका कारण बहुत सरल है क्या है कि दो मोलिक्यूल्स विच आर लाइंग ऑन द फ्री सरफेस दे एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हाउ एवर दोज विच आर देर इन साइड द लिक्विड दे आर सराउंडेड सीमेट्रिकल बाई अदर मोलिक्यूल्स सो दे एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स जीरो सो इन दिस सेंस यू कैन सेट द इनर्जी ऑफ दिज मोलिक्यूल्स इज लार्जर दैन दोज विच आर देर इन साइड द लिक्विड तो जो मुख्य सतह पर जो अणु हैं या मोलिक्यूल हैं उन पर हमेशा एक नेट फोर्स यानी परिणामी बल लगता है क्योंकि आप देख सकते हो इसके नीचे की तरफ तो एक तरह के मोलिक्यूल है दूसरी तरफ अलग, अलग तरह के मोलिक्यूल हैं तो कुल मिलाकर के इन पर एक परिणामी बल अंदर की ओर लगता है जो हमेशा इनको अंदर खींचने की कोशिश करता है इसके उलट जो अणु अंदर बैठे हैं वो अपने ही जैसे दूसरे अणुओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं इसलिए उन पर लगने वाला नेट फोर्स शून्य होता है तो दिस स्फीयर अराउंड ईच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इफेक्टिव स्फेयर ऑफ इंट्रेक्शन इसको परिणामी अन्योन्या क्रिया का गोला बोलते हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग दस की घात माइनस नौ मीटर के आसपास होती है इसके अतिरिक्त दूसरे छोर पर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये अणु जिसमें नीचे आधे गोले में इसके जैसे अणु हैं ऊपर हवा वाले अणुओं का बल मैंने निगलेक्ट किया है और ये अंदर का अणु है यह है डीप इन साइट और यह ऑन द सर्फेस ऑन दर्फेस तो इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है इसकी जो मुख्य सतह इसको हम फ्री सर्फेस बोलते हैं और ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है सरफेस टेंशन अब सर्फेस टेंशन को गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाए इसके लिए बहुत सरल सा देखिए एक मैंने जैसे ये गिलास में पानी भरा हुआ है तो ऊपर जो सतह होगी वो वृत्ताकार होगी ये आप समझ सकते हो तो वृत्ताकार सतह को मैंने ये तो साइड का व्यू है दिस इज़ साइड व्यू और ये मैंने टॉप व्यू दिखाया तो आप कोई भी एक सरल रेखा की कल्पना करिए उस मुक्त सतह पे उस सरल रेखा के बाई तरफ का लिक्विड और दाई तरफ का लिक्विड इस सरल रेखा पे जितने भी अणु होंगे उनको इधर वाले भी खींचेंगे और इसके इधर वाले भी खींचेंगे सामान्य अवस्था में नेट फोर्स जीरो होगा तो ऐसी स्थिति में हम इस सरल रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले जो बल को है उसको हम स्पष्ट तनाव कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कंसिडर सम लिक्विड फील्ड इन ए ग्लास यू कैन अंडरस्टैंड दैट द टॉप फ्री सरफेस ऑफ दिस लिक्विड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द फ्री सरफेस i assume any straight line on this particular surface and in equilibrium all the molecules which are residing on one side they will attract these molecules and by some force and on the right hand side they will attract by the same force so that the net force is zero so we define the surface tension as the force of if i consider any line on the surface then the force acting पर यूनिट लेंथ नॉर्मल टू दिस लाइन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस इस सतह के आप कह दीजिए टेंजेंशियल स्पर्श रेखी दिशा में जो लगने वाला बल है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो टेंजेंशियल सरफेस लिखा गया है टेंजेंशियल टू द सरफेस इसका बहुत बड़ा मतलब है सामान्यतया हम सारी सतहों को प्लेन नहीं मान सकते क्योंकि जैसे मान लो आप द्रव की बूंद की बात करोगे तो द्रव की बूंद तो कभी प्लेन हो नहीं सकती उसमें तो गोलाकार सतह होगी इसलिए जहाँ पर भी आप लाइन को कंसिडर करोगे उसके टेंजेंशियल जैसे ये मान लीजिए बूंद है अब बूंद के अंदर तो आप कहीं पर भी एक लाइन कोई पॉइंट जैसे ये लाइन एक लाइन आपने तो एक व्यास इसका ले लीजिए सबसे बड़ा और साइड से अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंशियल आ गया और ये आ गया तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो डाउन बढ़ जाएगा तो ये नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे सरफेस टेंशन कहेंगे इसलिए शब्द स्पर्श इस ही हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर द्रव की सतह समतल नहीं है तो प्रश्न की दिशा क्या होगी प्रश्न के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी वो आपको बताना है कि मानी गई सरल रेखा के लंबवत दिशा में और पृष्ठ के स्पर्शी हो तो ऑन द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इफ वी अज्यूम ए लाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पर यूनिट लेंथ ये महत्वपूर्ण बात है पर यूनिट लेंथ का मतलब है फोर्स अपॉन लेंथ तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट आएगा वो न्यूटन नहीं आएगा न्यूटन पर मीटर आएगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब प्रश्न ना तनाव शब्द से इस्तेमाल करते हैं देखिए रस्सी का जो तनाव है वो न्यूटन में नापा जाता है और तनाव को न्यूटन प्रति मीटर में नापा जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड टेंशन सरफेस टेंशन मेजर्ड न्यूटन पर मीटर इसका मतलब सरफेस टेंशन जो है वो बल नहीं है प्रति एकांक लंबाई लगने वाला बल है That's why I have written that if we assume a line, then the force acting on it per unit length, normal to it and tangential to the surface, is defined as surface tension. As shown in the figure, if the length of this imaginary line is L, then surface tension will be F upon L, that is Newton per meter, and the unit and dimension of the dimensional formula will be MT minus 2. This is the formula for. डायमेंशनल फॉर्मूला स्प्रिंग नियतांक का भी आता है एफ बराबर के एक्स आप पढ़ते हो मैंने पढ़ाया पिछले चैप्टर्स में आपको तो के की वैल्यू क्या आती है एफ अपॉन एक्स आती है तो वहां पर भी न्यूटन प्रति मीटर है और पृष्ठ तनाव की भी न्यूटन प्रति मीटर है तो कभी यह सवाल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वान्टिटीज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आंसर इट फोर्स कॉन्स्टेंटेंट सरफेस टेंशन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मुक्त सतह है इसके